सो गुड इवनिंग एवरीवन, हम चलते हैं क्लास टेंथ के साइंस का बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म हाउ कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं या क्यों करते हैं, तो ये एक माइंड मैप के जरिए हम लोग देखना चाहेंगे कि रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है, आखिर रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि आने वाली ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन देखने को मिले, चेंजमेंट देखने को मिले, जिससे एक नई एडॉप्टेशन मिले और जो ऑफस्प्रिंग आई है वो एक नए एनवायरनमेंट में ढल सके। तो ये पहला ही आपकी जो चैप्टर का है वेरिएशन, वो इसी से रिलेटेड है। वेरिएशन यानी ऑफस्प्रिंग में जो चीज़ आई है वो किस तरीके से नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेगी जो पुराने पेरेंट्स नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर सेकेंड टॉपिक इसी बुक का है, ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स होता है और गैमिट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट और नो गैमिट इन्वॉल्वमेंट, और वो अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। जैसे एग्जांपल फिजन अमीबा है, अपने दो टोटल सेल में टूट जाएगा। फ्रेगमेंटेशन बॉडी को स्प्लिट करेगा दो से तीन भागों में, स्पैरो 11। रीजनरेशन अपने बॉडी को तोड़ेगा स्पेशल सेल्स के जरिए, ठीक है ना। प्लैनेरिया बडिंग हाइड्रा और ईस्ट में होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है उसमें बड निकलता है और वो बड बाद में नया टूट के नया ऑर्गेनिज्म देता है, कोई गैमेट में नहीं हो रहा है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये वो है जो कोई भी वेजिटेटिव प्लांट है उसके रूट को काट के नई फसल उगाना या नया ऑफस्प्रिंग उगाना, लीफ या फिर स्टेम काट के नया ऑफस्प्रिंग उगाना। जैसे रोज की स्टेम काटोगे तो कहीं लगा दोगे नया आ जाएगा रोज, शुगर कैन के स्टेम काटोगे कहीं लगा दोगे तो नया शुगर कैन बन जाएगा। ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब कि वेजिटेटिव प्लांट से उसी के पार्ट को काट के नया ऑप्शन पैदा करना। स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस में ब्रेड मोल्ड में देखने मिलता है कि इसमें स्पोर होते हैं, वो स्पोर उड़के या जैसे भी जाते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं, यानी ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। थर्ड टॉपिक सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि फ्लावर के बारे में, तभी हम ह्यूमन में पहुँच पाएंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट मतलब ये किसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या? रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन? फ्लावर। एक क्वेश्चन आएगा कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा, तो फ्लावर है, जिसमें मेल पार्ट हमारा एंथर रहेगा, एंथर जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं यानी गैमिट होते हैं फ्लावर के। पिस्टल रहेगा जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा या फिर मिक्सअप होगा, फ्यूजन होगा, तो एक नया सीड या फ्रूट बनेगा जिससे नया ऑफस्प्रिंग आएगा, जिसे कहते हैं। फिर फ्लावरिंग प्लांट दो तरीके से होते हैं, एक बाइसेक्चुअल जिसमें एंथर और पिस्टिल एक ही फ्लावर रहेंगे, यूनिसेक्चुअल जिसमें अलग पिस्टिल होगा फ्लावर में और अलग एंथर होगा फ्लावर में, ठीक है। ये वर्ड है जो आप पढ़ लेंगे या याद कर लेंगे या समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी पेपर को सॉल्व करने में, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। नॉर्मली यही टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। सेक्चुअल इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल में पेनिस, वासर डिफरेंसिया, रेटा टेस्टिस, इपिडर्मिस केवल यही हैं जो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमन हेल्थ पे आते हैं, तो रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन सी सेफ्टी हमको बरतनी चाहिए, कंट्रासेप्टिव का यूज़ करना चाहिए जिससे वायरस अपने जेनेटिकली एरिया में ना जा पाए, जिससे दिक्कत ना हो पाए। तो ये हमें एक तरीके से बचाव रखना है रिप्रोडक्शन करने के दौरान। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, इतना ही माइंड मैप, इतने टॉपिक आप लोग कवर कर लेना और आपका ये वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आज के लिए काफ़ी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।